हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए आया हूं एक ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग, जो कि आज ही मैंने अपने लिए परचेज किया है। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको ट्राईपॉड। दोस्तों जो ट्राईपॉड है जो अपने लिए मैंने परचेज किया है, यह दोस्तों जे यंगटन कंपनी का ट्राईपॉड दोस्तों, जो कि मैंने आज ही परचेज किया था ऑफलाइन मार्केट से। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसे क्या क्या गया इसमें खास फीचर है वो आपको सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप बताता हूँ कि इसमें क्या क्या अच्छे फीचर दिए गए हैं इस ट्राईपॉड में, जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज किया है। क्योंकि इसी प्राइस रेंज पर जिस प्राइस रेंज पर मैंने इसको परचेज किया है, इसी रेट पर काफ़ी ट्राईपॉड हैं दोस्तों जो अमेजन फ्लिपकार्ट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ मुझे इसके अंदर देखने को मिली वो काफ़ी और ट्राईपॉड में मुझे नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने इसको इस कंपनी के ट्राईपॉड को परचेज किया है, वो भी ऑफलाइन मार्केट से, क्योंकि ऑनलाइन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी और ऑफलाइन जो मुझे सस्ता पड़ गया। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं इसके खास फीचर दिखाता हूँ और आपको ट्राईपॉड दिखाता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है और क्या क्या इसमें खास फीचर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये ट्राईपॉड यंगटन कंपनी का है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है BCT5208, जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए मैं इसका बॉक्स खोलता हूँ और आपको। सबसे पहले हमें इसके अंदर एक मोबाइल होल्डर मिलता है, जिसमें मोबाइल लगाएंगे। दोस्तों हमें इसके अंदर एक बैग भी मिलता है, तो एक अच्छी बात है क्योंकि कहीं भी हमें कहीं पर भी जाना होगा तो हम इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। हम इसके बॉक्स को ओपन करता हूँ, इसके बैग को ओपन करके देखता हूँ दोस्तों इसको कैसा कलर, इसमें आपको कैसा कलर मिलता है मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने बैग में से ट्राईपॉड को निकाल दिया है, आप देख सकते हो कि जो मुझे ब्लैक कलर का मिला है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और इसमें हमें एक चीज़ देखने को अच्छी मिलती है, इसमें हमें एक रिमोट मिलता है जिससे आप अपने जहाँ पर भी बैठे हो तो आप दूर से ही इसके ज़रिए कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और कैमरा अगर वीडियो बन रही है, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो इस रिमोट की मदद से, तो आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक अच्छी बात है। दोस्तों देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में ट्राईपॉड। और हम इसकी लेंथ की बात करें यानी कि इसकी लंबाई की, तो जो हमें समथिंग 125 सेंटीमीटर का लंबा होकर मिलता है, जो मान लो 4.5 फुट लंबा हो जाता है ये। और हम इसकी वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है और ये 1.5 किलो वजन तक अपने ऊपर उठा सकता है, यानी कि आपका फ़ोन कितना ही भारी हो और आपके पास अगर DSLR कैमरा है तो वह 1 kg तक का है तो उसको भी आसानी से उसका वजन उठा सकता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखाता हूँ कोई कितना लंबा होता है। चलिए मैं इसको पहले पूरा ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि जिस तरह से बॉक्स में आया था अभी मैंने उसी तरह से ओपन किया है। इसकी जो होल्डर है जो लंबे हो जाते हैं निकल कर, वो अभी मैंने ओपन नहीं किए हैं, तो अभी भी इसकी हाइट काफ़ी सही है। अगर आप टिकटॉक वीडियो बनाते हो तो उसके लिए हाइट काफ़ी है। तो चलिए मैं इसको पूरा ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप इसकी हाइट को देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इससे आप किसी भी तरह की वीडियो बना सकते हो, चाहे आप यूट्यूब वीडियो बनाओ या टिकटॉक वीडियो या कुछ और वीडियो शूट करो, आप इससे आसानी से कोई सी वीडियो बना सकते हो। इसमें हैंडल दिया गया है जिससे आप वीडियो क्लोज शॉट ले सकते हो, आप इसको ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो। और अगर आप इसमें टिकटॉक वीडियो में चाहते हो तो आप इसको और हैंडल भी कर सकते हो, आपको ये इस तरह से करके यहाँ पर मोबाइल शिफ्ट कर देना है और आप इसमें टिकटॉक वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी प्यारा ट्राईपॉड है ये, आप देख सकते हो आप इसमें हर एक एंगल ले सकते हो, यानी कि आप बारीकी से बारीकी इसमें कोई सा भी शॉट ले सकते हो। काफ़ी स्मूथली इसका हैंडल आराम से वर्क कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो आप चाहे इसे कितना भी ऊपर नीचे करो, दाएं करो बाएं करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी नया नया चैनल बनाया है, तो उनके लिए ट्राईपॉड काफ़ी अच्छा है। और अगर वो लोग इस ट्राईपॉड को लेना चाहते हैं तो मैं इस ट्राईपॉड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है दोस्तों ये, क्योंकि काफ़ी ट्राईपॉड आते हैं जिनके जो मोबाइल होल्डर होते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते,
जिनसे क्या होता है मोबाइल फिसल के बाहर निकल के भागता है, क्योंकि उनमें एक स्प्रिंग टाइप की दी होती है। लेकिन इसका जो मोबाइल होल्डर है, इसमें आपको एक बोल्ट टाइप का दिया हुआ है, जिससे आप इसको पहले लूज कर सकते हो, लूज चाहे आपका फोन कितना भी लंबा मोटा क्यों ना हो, और इसमें आपको मोबाइल लगाकर इसको टाइट कर देना है। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है कि आपको इसकी स्प्रिंग को ऊपर खींचना है, फिर उसमें उतना मोबाइल लगाना है, तब आपको मोबाइल इसमें कितना टाइट लगेगा। दोस्तों काफ़ी ट्राइपॉड मैंने यूट्यूब पर सर्च किए थे, जिसमें काफ़ी ट्राइपॉड दिखाए गए थे कम रेंज वाले, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी, जो कि थी जो हमारा मोबाइल होल्डर होता है जिसमें हम मोबाइल लगाते हैं, वो उसका काफ़ी मुझे कम क्वालिटी दिख रहा था, जैसे आपने उसमें मोबाइल लगा दिया। अब उसमें क्या था कि उसमें जो स्टच होता है खींचने वाली पिन होती है, तो उसमें मोबाइल को लगा देते तो काफ़ी टाइट थी। मैंने कई लोगों पर ट्राइपॉड देखा था जिसमें सेम वही पिन थी कि जिसको हम उसमें फ़ोन लगाएंगे तो जब उसे खींचेंगे तो उसमें मोबाइल काफ़ी टाइट आ रहा था। इससे क्या है, हमारे फ़ोन की डिस्प्ले है उसका ब्रेक होने का चांस ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे ये दिक्कत काफ़ी लग रही थी कि कहीं इसकी वजह से मेरा फ़ोन ब्रेक ना हो जाए, इसकी डिस्प्ले ना चली जाए। तो मैं एक ऐसे ट्राइपॉड देख रहा था जिसमें हम अपने मोबाइल को आसानी से लगा सकें, जिससे हमारी वीडियो आसानी से बन सके और हमारे मोबाइल को भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने काफ़ी ट्राइपॉड देखे जो कम रेंज वाले जो न्यू यूट्यूबर के लिए होते हैं, तो मैंने काफ़ी ट्राइपॉड सर्च किए, यूट्यूब पर भी देखे, अमेजन पर भी देखे और फ्लिपकार्ट पर भी देखे, लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ट्राइपॉड देखा मुझे, जो मैं ऑफलाइन गया, ऑफलाइन बाजार में गया, तो मैंने कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ यही लेना है, मैं वहाँ सिर्फ देख रहा था कि मुझे कोई अच्छा ट्राइपॉड मिल जाए। तो वहाँ का जो शॉपकीपर था उसने मुझे ट्राइपॉड दिखाया। सबसे पहले मैंने मेरी जो प्रायोरिटी थी कि मुझे अपना फ़ोन अच्छे स्टैंड में लगाना है, तो उसका जो मोबाइल होल्डर होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो उसने मुझे सबसे पहले यही निकाल के दिखाया और मुझे एक ही बार पसंद आ गया। उसका जो मोबाइल होल्डर है वो इतना बढ़िया है कि इसमें कोई खींचने का झंझट ही नहीं है। ऊपर इसके एक नट दिया गया है जिसको आप ढीला करके इसमें मोबाइल लगा सकते हो और उसके बाद में उसे टाइट कर सकते हो, तो आपका फ़ोन कितना भी मोटा हो या कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, उसकी लेंथ कितनी भी चौड़ी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितना भी मोटा हो कोई टेंशन नहीं है कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले चली जाएगी या कुछ और परेशानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मोबाइल होल्डर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको इसे ऑनलाइन खरीदना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो। वहाँ पे इसकी रेट समथिंग 1200-1300 रुपये होगी, लेकिन अगर इसे आप ऑफलाइन खरीदोगे तो ये आपको 800-900 रुपये के समथिंग या 1000 रुपये के अंदर पड़ जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसे ऑफलाइन ही खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको पता है लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ऐसे में आपकी रेट भी ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा जाएंगे, और जो डिलीवरी टाइम मिलेगा वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 7-8 दिन या 8-10 से 12 दिन भी लग सकते हैं, ये आपके क्षेत्र के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदोगे तो आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे और हैंड टू हैंड आपको मिल भी जाएगा। टाइप पोर्ट के कास्ट फीचर की बात करें तो वो है इसका ये रिमोट, आप इसके इसमें जो बटन दिए गए हैं इनकी मदद से ही आप अपनी वीडियो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपको कोई सेल्फी लेनी है तो आपको उठ के जाके वहाँ पर फ़ोटो खींचना है, या आपको लग रहा है कि आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा है कम है, आपको वीडियो थोड़ी पास करनी है, जूम करनी है या फिर कम करना है, तो आप इसी की मदद से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फीचर है, और इसकी जो रेंज है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस ट्राइपॉड में। क्वालिटी है वो प्लास्टिक की नहीं है दोस्तों, वो मेटल की है, जो थोड़ा प्लास्टिक भी है मेटल भी दोनों मिक्स है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं दोस्तों ये। और इसका जो कलर है मुझे ब्लैक कलर का मिला है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो ब्लैक कलर ही लें, क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा रहता है, और बैट वगैरह जो सिल्वर कलर आते हैं उसमें जब स्क्रैच आ जाते हैं तो काफ़ी शो होते हैं, ब्लैक कलर होगा तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, उसमें कोई स्क्रैच भी। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप महंगे से महंगा ट्राइपॉड लो, कोई आप सस्ते सस्ता ले लो, मैं ये नहीं कह रहा, आप यही लो कोई भी ले लो, लेकिन ट्राइपॉड से ही वीडियो शूट करो, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं होगी, जिससे वीडियो की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जब आपकी वीडियो हिलती डुलती नहीं रहेगी तो लोगों को देखना भी अच्छा ही लगता है, क्योंकि उनका सर भी चकरा जाएगा कि किस तरह की वीडियो हिल रही है। तो आप एक ट्राइपॉड जरूर लें, भले ही आप एक माइक नहीं ले सकते, लेकिन आपको ट्राइपॉड जरूर लेना चाहिए, जो कि मैं बोलता हूँ 300-400 रुपये समथिंग आ जाएगा कम से कम प्राइस में भी। और अगर आपके पास पैसे हैं जो आप ले सकते हो, आपके बजट है थोड़ा बहुत, तो अब मैं कहता हूँ आप इस जो मैं लेकर आया हूँ जी मॉडल आप ले लो, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 800 रुपये का परचेस किया है ऑफलाइन मार्केट से। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदना, क्योंकि वहाँ पे आपको इसके पैसे काफ़ी कम देने पड़ेंगे। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे, और जो डिलीवरी टाइम है उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऑफलाइन में आपको काफ़ी फ़ायदा है, एक तो आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा आप इसे वहाँ पे आके
एंड टू एंड जब लोगे ऑफलाइन बाज़ार से तो इसे पूरा चेक कर सकते हो, कोई कमी तो नहीं है। ऑनलाइन जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें जो कोई कमी आ जाती है तो फिर हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है, उसमें भी हमें टाइम लग जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न हो या ना हो, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें रिटर्न भेज तो देते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप इसे ऑफलाइन ले सकते हो अगर आपके बाज़ार में मिल रहा है तो। अगर आपके बाज़ार में नहीं मिल रहा है और आपको एक ट्राइपॉड चाहिए जो कम बजट में हो और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, उसमें काफ़ी फीचर हो, तो मैं इसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।